1907 27 सितंबर 1907 दिन शनिवार पंजाब के लाइनपुर जिले के बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ। जब भगत सिंह का जन्म हुआ उस समय उनके पिताजी और उनके चाचा जी जेल में थे, लेकिन जैसे उनका जन्म हुआ तो उनके पिताजी जो किशन उनके पिताजी किशन सिंह जो थे वो वहां से कारावास से रिहा हो गए। सरदार किशन सिंह जी जो भगत सिंह से पिताजी थे, जब उनका जन्म हुआ तो वहां से कारावास से जेल से जो थे वो आजाद हो गए। जैसे वो घर पहुंचे पिताजी तो उनके पीछे पीछे उनके चाचा जी की भी रिहाई हो गई। जब उन्होंने देखा कि जन्म जैसे ही बरन के शिशु का जन्म हुआ सारा परिवार इकट्ठा हो गया, जो जेल में उनके चाचा जी और पिताजी थे वो भी घर आ गए, तो उनकी माँ उनको बहुत प्यार करती है और कहती है कि ये बहुत भागों वाला बच्चा है, भागों वाला बच्चा है, इसलिए उनका नामकरण जो है वो भगत सिंह रख देते हैं। और उनके पिताजी भी इस चीज की सहमति करते हैं और उनका नामकरण जो है वो इस तरह भगत सिंह हो जाता है। आगे हम देखेंगे इसमें, आप देखेंगे इसमें आपको कुछ नए शब्द भी मिल रहे हैं। शिशु, शिशु होता है छोटा बच्चा, मशाल लकड़ी या लोहे की छड़, असंभव जो संभव ना हो, तो ऐसे ही हमें इस पैराग्राफ में कुछ नए शब्द भी मिल रहे हैं। इस पाठ में वो भी आप लोग सीख रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि भगत सिंह का जन्म जो 27 सितंबर 1907 को पंजाब के ललितपुर जिले में हुआ था, और जैसे उनका जन्म हुआ तो उनके पिताजी और चाचा जी जेल से रिहा हो गए, तो घर में खुशी का माहौल था। तो उस माहौल में जो था उनके पिताजी और माताजी ने उनका नामकरण भागों वाला, फिर उनको भागों वाला कहने लगे, और इस कारण उनका नाम जो था वो नामकरण भगत सिंह रख दिया गया। आगे हम देखेंगे रिहा हो गया, उनका नामकरण भी हो गया, अब उनका जो लालन पालन था बड़े लाड प्यार से हुआ, सभी उनको स्नेह करते थे, सभी उनका उनको प्यार करते थे। अब हम देखते हैं बच्चों की आपका जो पहली शिक्षा है वो आपको घर से ही प्राप्त होती है, वैसे ही भगत सिंह का जो प्रथम विद्यालय था वो उसका घर ही था, उसका परिवार ही था, और उसके जो प्रथम अध्यापक थे वो उसके माता पिता थे। तो वैसे उनका जो प्रथम शिक्षा थी भगत सिंह जी को जो परोपकार, सहनशीलता, कर्मठता, आदर्शवादी, ईमानदारी, ये सब गुण जो थे वो उन्होंने अपने परिवार से ही सीखे। ये जो संस्कार वो अपने माता पिता से मिले, दादाजी के साथ भी उनको बहुत अच्छे संस्कार मिले। दादाजी भी उनके जो थे वो देशभक्त थे, देशभक्त थे, देशभक्ति के उनके गुण थे, निर्भयता, वीरता, देशभक्ति, बलिदान, ये सब उन्होंने अपने पिता से सीखा, अपने दादाजी, अपने चाचा जी से ये सब शिक्षाएं उनको प्राप्त हुई। आगे चलकर उन्होंने अपने कार्य द्वारा इन गुणों को सिद्ध भी किया। ये जो उसको गुण मिले, वीरता के गुण मिले, देशभक्ति के गुण मिले, निडरता के गुण मिले, ये सब उन्होंने आगे चलकर अपने कर्म के अनुसार उनको सिद्ध भी किया। यदि हम संक्षिप्त में गए तो बचपन से ही भगत सिंह जो दादाजी थे वो प्रगतिवादी, पिताजी जो थे वो क्रांतिकारी विचारों वाले थे, तो ये सब गुण उनको परिवार से ही बचपन से ही प्राप्त हो चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि भगत सिंह का जो 10वीं की शिक्षा थी वो डीएवी स्कूल में हो गई, वो वहां से अपने परिवार से बचपन देखते हैं कि वो वहां से चले आए और उन्होंने जो था वो पंजाब में दोबारा घर बना लिया, और उनका जो दाखिला था वो डीएवी स्कूल में हुआ। राष्ट्रीयता और क्रोध का वातावरण उनको भगत सिंह को वहां से प्राप्त हुए। जो उनको गुण थे वो आधे गुण उनको स्कूल से मिले, जो आधी शिक्षा थी वो उन्होंने स्कूल से सीखी। तो वहां पर आप देखते हैं राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का आपको यहाँ नया शब्द मिल रहा है, तो राष्ट्रीयता का अर्थ होता है देश की भावना, देश के प्रति भावना, ठीक है। आगे आपका आगे संक्षिप्त, संक्षिप्त होता है छोटा, ठीक है। बाकी के गुण जो थे वो उनको स्कूल से प्राप्त हुए, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि जब भगत सिंह 13 वर्ष के हो गए, जब भगत सिंह बड़े हो गए, तो इसी बीच जो था वो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला कांड हुआ, जलियांवाला कांड हुआ, बैसाखी का दिन था। तो वहां पर जो था वो निर्दोष लोगों को जनरल डायर के द्वारा जो था वो निर्दोष लोगों को मार दिया गया। मेला था, बैसाखी का मेला था जलियांवाला बाग में, वहां पर जो थे वो बच्चे, बूढ़े, सारे जो थे औरतें थी बड़ी संख्या में थी, तो जनरल डायर के आदेश के अनुसार वहां पर गोली हुई, गोली बरसाई गई, जिस कारण निर्दोष लोगों की मौत हो गई। और ये सारा कांड जो था वो भगत सिंह ने अपनी आंखों से देखा था। भगत सिंह अमृतसर गए थे, जो छोटे थे, 13 वर्ष की आयु के थे, वहां पर गए थे, तो ये सारा कांड उन्होंने
आंखों से देखा। आगे आप देखेंगे ये सारा ही दृश्य जो था वो भगत सिंह ने खुद आंखों से देखा था। आप देखेंगे यहाँ पर कैसे जलियांवाला बाग में अमृतसर में कैसे गोलीकांड हो रहा है, कैसे निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, तो ये सब जो था वो भगत सिंह ने अपनी आंखों से देखा था। इस नरसंहार को देखकर वो बहुत दुखी हुए थे। घर में बड़ा शांत वातावरण था, तो जब वो भगत सिंह वहां पर आए तो देखकर बहुत खुश होते हैं कि मेरा परिवार जो था वो सेफ है, बचा हुआ है। तो उस भगत सिंह जब आते हैं तो उनको देख के परिवार वाले भी खुश होते हैं। जो उनकी बहन है वो उनको उनसे वार्तालाप करके अपने भाई का जो चेहरा देखकर उनको लगता है कि भाई दुखी है, तो उनके उनसे वो पूछती भी है कि भाई तुम कहाँ थे। तो ये सब जो पूछती है तो जो अमृत कौर उनकी बहन होती है वो उनसे भगत सिंह से पूछ रही। तो भगत सिंह कहते हैं उनको जो अमृतसर से वो द्वार में खून से भरी हुई मिट्टी लेकर आते हैं और उसको बताते हैं कि ये जो था अमृतसर में जो गोलीकांड हुआ है, नरसंहार हुआ है, वहां की खून भरी मिट्टी है। तो ये सब सुनकर अमृत को भी दुखी होती है। वो अपने भाई से बात करती है, उनको कहती है कि घर में आम रखे हुए हैं, भगत सिंह को आम पसंद थे, लेकिन वो इतने दुखी थे कि उनसे चीजों को वो ध्यान नहीं देते हैं, कुछ खाते नहीं है। फिर जो उनकी बहन है वो उनसे पूछती है कि भाई तुम दुखी क्यों हो। तब भगत सिंह उनको सारा ही वृतांत वो बताते हैं, सारा वो अमर कौर को वो ये सारी चीजें बताते हैं। फिर उनसे उनको कहते हैं कि तुम बाहर से कुछ फूल ले लिया। तो देखते हैं आप भी यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर में कैसे वो सफेद कपड़ा जो है वो मेज पर रख देते हैं भगत सिंह, और उसके ऊपर शहीदों की मिट्टी रख देते हैं और ऊपर फूल चढ़ा देते हैं। उनको देखकर जो उनकी बहन अमर कौर है वो भी वहां पर फूल रख देती है और दोनों ही जो है वो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये सब देखकर भगत सिंह जो था वो सोच सोच के बड़े दुखी हो रहे थे और वो वहां पर जो है वो प्रतिज्ञा करते हैं। आप देख रहे हैं कैसे वो शब्द ले रहे हैं, वो प्रतिज्ञा करते हैं कि वो इस नरसंहार का बदला जो है वो जरूर लेंगे। तो बचपन में ही उनमें क्रांतिकारी की भावना जो थी वो उत्पन्न हो गई थी। युवावस्था तक पहुंचते हुए भगत सिंह जो थे वो मातृभूमि के सच्चे भगत बन चुके थे। अब वो युवा हो गए, बड़े हो गए, तो वो सच्चे भगत बन चुके थे। देश सेवा उनका कर्म था, वो महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चल रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी के आदर्श जो थे वो नरम थे, नरम दल के थे, अहिंसा को मानते थे। लेकिन जो भगत सिंह थे वो धीरे धीरे जो थे वो गर्म दल में चले गए। उन्होंने चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु, भक्ति चरण मोहरा आदि देशभक्तों के सहयोग से जो था वो गर्म दल को अपना लिया था, वो क्रांतिकारी बन गए। उसके बाद आप एक और कांड देखेंगे कि 1928 में साइमन कमीशन का विरोध हुआ, उसमें लाला लाजपत राय को बुरी तरह से लाठीचार किया गया। ये जो कांड था ये सैंडर्स के द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय के ऊपर गोली जो लाठीचार हुआ था उससे वो तो बहुत जख्मी हो गए थे, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सब देखकर भी भगत सिंह को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या कर दी। उनके साथ जो थे वो राजगुरु, बटुकेश्वर और चंद्रशेखर भी शामिल थे। जब उन्होंने सैंडर्स को मार दिया तो वो वहां से चले गए। जब वो वहां से चले गए उसके बाद आप देखेंगे यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार हो रहा है, जिस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आप देखेंगे कि भगत सिंह जो थे वो सैंडर्स को मारकर राजगुरु भगत सिंह सुखदेव जो थे वो वहां से चले जाते हैं। उनका जो भगत सिंह का होता है कि वो खून खराबे के समर्थक नहीं थे, वे गर्म दल में शामिल थे लेकिन वो खून खराबा नहीं करना चाहते थे, वो इसके विरोधी थे, वो वहां से चले जाते हैं। इसी नीति के अनुसार उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरकार को जागरूक करने के लिए एक असेंबली में 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर ने जो असेंबली होती है, जहाँ पर असेंबली हॉल था, जहाँ पर कोई नहीं था, वहां पर उन्होंने बम गिरा दिया। और उनका बम गिराने का कारण जो था वो केवल सरकार को जागरूक करना था, सरकार को बताना था कि किस तरह वो जो थे वो लोगों को सरकार को बताना चाहते थे, जनता को जागरूक करना चाहते थे कि उनकी नीतियां जो थी वो गलत थी। उन्होंने जो लाला लाजपत राय के ऊपर जो लाठीचार किया था उन्होंने उसके विरोध के कारण असेंबली पर बम गिराया। उनका ये मतलब नहीं था कि सरकार को नुकसान पहुंचाया जाए, वो
छोटी सी अवस्था में ही कैसे क्रांतिकारी बन गए, कैसे उन्होंने देश के लिए कार्य किया, कैसे देश के लिए फांसी लगा ली। तो बच्चे हमें भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, हमें भी देश की लड़ाई करनी चाहिए। आप भी बड़े होकर देश की सेवा कर सकते हैं, आर्मी ज्वाइन कर, कैसे भी पुलिस में जाकर, डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, किसी भी कार्य की तरह जो है वो आप देश की सेवा कर सकते हैं। तो हमने आपने भगत सिंह जी से शिक्षा लेनी।